तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग। स्वागत है आपका आज की जबरदस्त एंड फ्रेश वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो, एक वेबसाइट खुली हुई है, नाम है कंपनी का brightsolarlimited.com। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे अभी पढ़ा होगा, आज दोस्तों इसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे। बहुत ही ज्यादा यहाँ पर बेहतरीन कंपनी और एक पैनी शेयर के रूप में यहाँ पर दोस्तों मुझे देखने को मिली है। काफी कम प्राइस, 5-6 रुपए के आसपास का यहाँ पर स्टॉक है और काफी जबरदस्त दोस्तों यहाँ पर ये काम कर रहा है अपने सेक्टर में। यहाँ पर प्रोडक्ट्स की रेंज पर दोस्तों क्लिक करना चाहूंगा, देख सकते हो यहाँ पर सोलर से रिलेटेड जितने भी टाइप के इसके सिस्टम्स होते हैं, सोलर वाटर पंप सिस्टम, डीसी सोलर पंप्स और एसी सोलर पंप, सोलर पंपिंग कंट्रोल इन्वर्टर, सोलर पैनल्स जो कि जनरली हम लोगों को सड़कों पर देखने को मिल जाती हैं, ब्राइट सोलर मार्ट, शायद इन लोगों का खुद का दुकान भी है यहाँ पर, जो एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मतलब सोलर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की यहाँ पर बेचती है, सोलर रूफ टॉप, जैसे कि हम लोग छत के ऊपर जो एक रूफिंग करा दी जाती है सोलर की, जिससे हम लोग घर की बैटरीज वगैरह चार्ज करके एंड उसी पावर से अपने घर के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसको यहाँ पर रन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो दोस्तों यहाँ पर सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, मुझे भी कुछ खास यहाँ पर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है सोलर के बारे में, लेकिन जितने भी तरह की चीजें, मैं यहाँ पर सोलर मार्ट पर क्लिक करना चाहूंगा और देखते हैं कि क्या पेज यहाँ पर खुल के निकल के आता है। तो दोस्तों इसी वीडियो में आगे बने रहिए, बात करेंगे इसी सोलर से रिलेटेड सारी चीजों के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। टेक्निकल में ज्यादा कुछ देखने को नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दूं, तो जो लोग टेक्निकल के लिए आए हैं वो लोग यहाँ पर निराश हो जाएंगे। बेसिकली ये दोस्तों निवेश से जुड़ी कंपनी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनी है। तो बने रहिए इस वीडियो में, बात करने वाले इसी कंपनी के बारे में। सो हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज कुणाल एंड यू आर वॉचिंग मार्केट कैपिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। तो ये देख सकते हैं दोस्तों पेज खुल चुका है ब्राइट सोलर मार्ट, इसमें किस किस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। सोलर पैनल मोनो एंड पॉली क्रिस्टलाइन वाले, जो दो अलग अलग टाइप के सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पंप मोटर, सोलर पंप सेट, सोलर डीसी पंप सेट, सोलर पंप इन्वर्टर कंट्रोलर, सोलर पैनल माउंटिंग, सोलर पंप पाइप, यानी कि जितने टाइप यहाँ पर 20 से 21 प्रोडक्ट रेंज ऐसे हैं जो आपको इसके मार्ट में, यानी कि इसके दुकान में आपको देखने को मिल जाएंगे। इतने इतने तरह के दोस्तों ये प्रोडक्ट्स बनाता है, सबके नाम पढ़ना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक बार क्लिक करना चाहूंगा मैं सोलर पैनल्स के मॉड्यूल पर, या जो भी वो था, हाँ मॉड्यूल ही था। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये मोनोक्रिस्टलाइन सोलर होता है एंड यहाँ पर एक ब्लू वाला होता है, वो पॉली क्रिस्टलाइन सोलर होता है, ये जो ब्लू वाला होता है। तो ये दो तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सोलर प्रोडक्ट होते हैं जो ये कंपनी बेसिकली बनाती है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पर कंपनी से आपका इंट्रोडक्शन हो गया होगा। चलिए जल्दी से चलेंगे इसकी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर और देखने की कोशिश करेंगे कि जो मैंने यहाँ पर चार खास बातें आपको बताई है, बतानी है मुझे, जो अभी चार पॉजिटिव बातें और निगेटिव बातों पर भी यहाँ पर पूरा फोकस करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव बातों को लेकर नहीं चलने वाले। तो चलिए दोनों बातों को यहाँ पर क्लियर करते हुए हम लोग ब्राइट सोलर के यहाँ पर पेज पे आ जाते हैं, यानी कि screenet.in के पेज पर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट कैप आप सबसे पहले देख सकते हो, मैं मार्केट कैप दिखाना यहाँ पर बहुत जरूरी समझता हूँ कि कंपनी किस लेवल की, आपको यहाँ पर अंदाजा लग जाना चाहिए। 12 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मतलब 11.4 करोड़ के आसपास, लगभग 12 करोड़ मान के चलते हम लोग। तो यहाँ पर बहुत ही एक इनिशियल स्टेज की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है यहाँ पर और काफी अच्छे सेक्टर में काम करिए, जो कि पहले भी मेरा कहना था यहाँ पर कि फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर व्यू होने वाला है इस पर। एक मैंने यहाँ पर सोलर से रिलेटेड एक कंपनी पहले भी दे रखी है यहाँ पर, वेब सोलर, तो वो भी मैंने कहा था कि वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी, उससे तुरंत आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो तुरंत आपको प्रॉफिट देगा, ऐसी कोई भी जरूरी मतलब नहीं है उस कंपनी के लिए, वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। उसी तरह ब्राइट सोलर भी जो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी और फ्यूचरिस्टिक और बहुत ज्यादा छोटे लेवल की कंपनी है, इसलिए इसके स्टॉक का प्राइस भी जो है वो 5 रुपए के आसपास अभी आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तब ये 5 रुपए के आसपास नहीं थी। तो यहाँ पर देख सकते आप सबसे पहले मार्केट कैप जो था वो 11 करोड़ या 12 करोड़ आप मान के चल सकते, 12 करोड़ के आसपास की थी। और जो इसके रिटर्न रेशियो है वो आपको यहाँ पर कुछ खास देखने को नहीं मिलेंगे, रिटर्न रेशियो सॉरी यहाँ पर है, रिटर्न रेशियो कुछ खास यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाले। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करके हम लोग समय का यहाँ पर बर्बादी बिल्कुल भी नहीं करने वाले, सीधी थी हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चीजों के बीच आ जाते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव चीज है इस कंपनी, इतने छोटे कंपनी का, वो ये है कि इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग आप देख सकते हो 62.2% के आसपास है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई रेट ऑफ यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है, बहुत सारी कंपनी में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपनी ही एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जिसका अभी तो कोई फ्यूचर कहा नहीं जा सकता, मतलब अभी जो है प्रेजेंट वो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका फ्यूचर जरूर यहाँ पर पहले से प्री डिफाइंड किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में कोयला तो जाने वाला है, पेट्रोल जाने वाला है, जैसे कि आप एनर्जी कंपनी को देख रहे हो, लगातार सारी चीजें भागी जा रही है। तो फ्यूचर में इसी तरह की कंपनी दोस्तों इसी तरह सर्किट पे सर्किट मारते हुए चल सकती है।
यहाँ पर प्रीटेस्ट की स्कोर देख सकते हैं आप, प्रीटेस्ट की स्कोर भी काफी अच्छा है, लेकिन ये हमारी पॉजिटिव चीजों में शामिल नहीं है। बस मैंने यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि यहाँ पर सेक्स का प्रीटेस्ट की स्कोर है। प्रमोटर्स होल्डिंग पहली चीज हम लोगों ने देखी 62.2% के आसपास है, और इतनी छोटी कंपनी के होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कंपनी के पास डेट का प्रोपोर्शन एकदम खत्म के बराबर, यानी कि बहुत ज्यादा लो है, 51 लाख का सिर्फ इसके पास जो है वो डेट है, जो कि ना के बराबर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। डेट इक्विटी रेशियो देखो तो यहाँ पर रेशियो भी कुछ नहीं बन रहा, 0.01, मतलब ये तो लग रहा है कि कैलकुलेटर बहुत ज्यादा यहाँ पर बेबस होकर 0.01 कैलकुलेट कर यहाँ पर दिया है। तो डेट का प्रोपोर्शन आप एक तरह से इसको कह सकते हो डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर। तो दूसरी पॉजिटिव चीज ये है कि ये कंपनी जो है डेट फ्री है, पहला था प्रमोटर्स होल्डिंग जो कि बहुत अच्छी है यहाँ पर। और थर्ड जो है दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि फेस वैल्यू भी अभी आपको दोस्तों यहाँ पर 10 रुपए की मिली है, जो कि काफी जबरदस्त चीज है। आपको अभी 5 रुपए का 6 रुपए का करेंट प्राइस देखने को मिल रहा है, और उसके बेसिस पे आपको 10 रुपए का अगर फेस वैल्यू मिल रहा है तो यहाँ पर कोई भी बुरी डील आपको देखने को नहीं मिल रही। तो तीन चीजें देख लिए दोस्तों हम लोगों ने, एक फेस वैल्यू, डेट फ्री कंपनी एंड प्रमोटर्स होल्डिंग बहुत अच्छी है। अब चौथी जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसके लिए सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर बुक वैल्यू, यहाँ पर आप देख सकते हो बुक वैल्यू जो है 18.7 का, यानी कि लगभग 18 रुपए के आसपास का इसका बुक वैल्यू है। और इसका करेंट प्राइस आप देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 5-6 रुपए के आसपास का करेंट प्राइस है, यानी कि बुक वैल्यू से मतलब करेंट प्राइस जो है बुक वैल्यू से वो बहुत ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये अपने आप को कवर करने भी चली जाती है अपने बुक वैल्यू के जितना, तो आपका पैसा यहाँ पर 300% बढ़ जाने वाला है। 6 रुपए से आप अंदाजा लगाओ तो 6 × 18 तीन बार में आपको 300% का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग घर की भाषा में 3 गुना हो जाना भी कहते हैं। 6 रुपए का 18 रुपए हो जाना, ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाना कहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा निकल के आते हैं। पीई देखोगे आप, प्राइस टू अर्निंग, तो आपको बहुत ज्यादा हाई दिखेगा यहाँ पर, तो खैर इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। 5 रुपए से नीचे अब आप इसमें क्या ही ट्रेड करोगे बुक वैल्यू, जबकि इतना ज्यादा हाई है। अगर बुक वैल्यू यहाँ पर लो रहता, 2-3 रुपए रहता, तब मैं बोल सकता था यहाँ पर कि हाँ भाई स्टॉक अभी भी बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन आप देख सकते हो बुक वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है कंपनी, मतलब स्टॉक। तो यहाँ पर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि ये सही टाइम है दोस्तों, आप इसमें फ्यूचरिस्टिक व्यू से अभी 1 साल में आप रिटर्न खोजोगे तो पता नहीं देगा नहीं देगा, 6 महीने में खोजोगे तो नहीं देगा, पक्का नहीं देगा, 1 महीने में तो डेफिनेटली नहीं देने वाला। तो इसको आप 5 साल 6 साल वाले व्यू से इसको खरीद के रख लो। और मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूं कि इसमें ऐसे ही पैसे को लगाएं जिसके डूब जाने से भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी देख सकते हो बहुत ज्यादा छोटी है, कोई भी बड़ी कंपनी आकर इसको आराम से दबा सकती है या फिर पूरी की पूरी कंपनी को ही खरीद सकती है। और फिर इस कंपनी के साथ वो क्या करेगी ये कुछ हम लोगों का कहा नहीं जा सकता यहाँ पर, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग देख सकते हो अभी भी 62.2%। अगर सारे प्रमोटर्स से कोई एक बड़ी कंपनी जो है सारे शेयर्स को खरीद ले तो जो नई कंपनी है उसका इस कंपनी के ऊपर टोटली यहाँ पर अधिकार हो जाने वाला है, मतलब कंट्रोल यहाँ पर उस कंपनी का ज्यादा हो जाएगा। तो फिर शेयर्स के साथ क्या होगा नहीं होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा रिसेंट हमें अभी रुचि सोया में भी देखने को मिला है, तो इसलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 50-50 स्टॉक यहाँ पर चल भी सकता है, और चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा, चांद तक चलेगा, नहीं चलेगा तो दोस्तों शाम तक ही चलेगा। तो यहाँ पर ऐसा ही पैसा इसमें लगाएं दोस्तों जिसका आपको डूब जाने से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज दैट इसमें 1000 रुपए आप लगाकर छोड़ दे, मेरे ख्याल से यहाँ पर 1000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होगी किसी के लिए, 1000 रुपए लगाकर छोड़ सकते हैं, तो फिर यहाँ पर लगभग 200 क्वांटिटीज यहाँ पर निकल के आ जाएंगी आपके पास शेयर, 200 क्वांटिटी आप लेकर रख दो। फ्यूचर में अगर ये चल गया तो बहुत बेहतरीन प्रॉफिट देगा, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये आपको 1000 रुपए का ही रिस्क होगा यहाँ पर। तो मैं अगेन यहाँ पर बोलता हूँ ऐसा ही पैसा लगाएं जिसमें जिसके डूब जाने से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 चीजें देख ली, नहीं ऑलमोस्ट 4 चीजें देख ली, प्रमोटर्स होल्डिंग हम लोगों ने चेक कर लिया, डेट फ्री है कंपनी जो कि बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, फेस वैल्यू 10 रुपए का मिल रहा है, और यहाँ पर बुक वैल्यू भी जबरदस्त दोस्तों हाई पर है। और दोस्तों एक यहाँ पर बोनस चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि इतनी छोटी लेवल की कंपनी होने के बाद भी आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको ये 1-20 साल लॉस में जाती हुई नहीं दिखेगी, कंपनी ओवरऑल जो है वो प्रॉफिट में ही चल रही है। हालांकि प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन है, कभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कभी बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट का सिलसिला चल रहा है, लॉस में कंपनी कभी नहीं गई है। तो ये दोस्तों कुछ अच्छी चीजें थी जो आपको बतानी थी। अब यहाँ पर एक बुरी चीज है आपको देखने को ये मिलेगी कि प्रमोटर्स होल्डिंग अभी हम लोगों ने पॉजिटिव चीज में कंसीडर किया कि 62.2% की प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी वेबसाइट यहाँ पर कटआउट करके रखा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2019 में 69% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग थी, सेप्टेम्बर 2019 में ये 70 हो गई, फिर मार्च 2020 में भी दोस्तों ये 70 ही थी, फिर सेप्टेम्बर 2020 में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 हो गई, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो गया यहाँ से जो है ये डिक्रीज होना नीचे की तरफ शुरू हो गया है। और आप देख सकते हो मार्च 21 में ये 62% बची है। तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जो कि एक यहाँ पर चिंताजनक बात है कि प्रमोटर्स जो है वो कंपनी को छोड़ के यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये एक माइनर सा पॉइंट है, आप कह सकते हो थोड़ा यहाँ पर बड़ा सा माइनर पॉइंट है। तो खैर इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि ऐसा पैसा लगाएं जो 50-50 वाला ये स्टॉक है, जिसके डूब जाने से भी आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं तो बोलूंगा 1000 रुपए लगा दो, कोई दिक्कत नहीं।
तो इस तरह की कंपनी दोस्तों, लेकिन इतने छोटे पैमाने की कंपनी होने के बाद भी यहाँ पर इतनी प्रॉफिटेबल, इतना अच्छा यहाँ पर फंडामेंटल डिटेल्स इसने कैरी कर रखा है अपने साथ, सिर्फ एक प्रमोटर्स होल्डिंग, जो कि एक पॉजिटिव चीज भी है और एक निगेटिव चीज भी है, दोनों में दोस्तों ये प्रमोटर्स होल्डिंग आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर फंडामेंटली आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चार्ट पर भी मैं आपको लेकर जाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हो, चार्ट भी देख सकते हो, चार्ट में कुछ खास देखने लायक नहीं है। इसने जो हाई ट्रेडेड प्राइस किया है अब तक वो है 61 रुपीज के आसपास, जब शायद इसकी लिस्टिंग हुई थी तब से ये गिरना शुरू हुआ था, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से इस तरह की कंपनी को उतना ज्यादा वैल्यू मार्केट में नहीं मिल रहा है। लेकिन जब इसको इसका वैल्यू मिलना शुरू होगा ना, तब फिर दोस्तों ये काफी ऊपर के लेवल पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो चार्ट में वैसा भी कुछ खास आपको देखने के लिए है नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, ये एक फ्यूचरिस्टिक व्यू से लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और ऐसा ही पैसा इसमें लगाएं जिसके डूबने से आपको कोई दिक्कत ना हो। मेरे लिए वो पैमाना 1000 रुपए के आसपास है, 1000 2000, जो लोग जितना बेयर कर सकते हैं उस हिसाब से दोस्तों इसमें लगाकर आपको मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए एक पैनी शेयर के तौर पे, कि इन फ्यूचर चला तो चला, नहीं चला तो कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपए जाएंगे। ऐसे भी 1000 रुपीज तो यहाँ पर ब्रोकरेज चले जाते हैं रोज के रोज। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ पर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ब्राइट सोलर का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड गुड बाय।